न्यायधानी बिलासपुर में सोमवार की शाम सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दयालबंद स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के ऑफिस से चार हथियारबंद नकाबपोशों ने एटीपी ऑपरेटर वीरेंद्र सोनवानी से लगभग 13,33,000 से ज्यादा नकद रुपयों की लूट की गंभीर घटना को अंजाम दिया था और फरार हो गए थे, जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया था। वही सूचना के बाद तत्काल बिलासपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच, देर रात तक डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, जिन्हें देर रात पुलिस की टीम ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सारे आरोपी बिलासपुर शहर के लोकल निवासी ही है। वही पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 11,70,000 रुपए बरामद भी कर लिया है। कल शाम को 7:15 बजे जो दयालबंद बिजली ऑफिस में लूट की वारदात हुई थी, उसमें पुलिस को चंद ही घंटों में सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। इसमें टोटल 7 लोग पूरी घटना में इन्वॉल्व थे, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन में। 4 लोग इसमें घटनास्थल में अंदर घुसे थे और 3 अन्य व्यक्ति प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। इसमें टोटल जो 13,33,000 रुपये जो इसमें लूटा गया था, उसमें से 11,70,000 रुपये 6 आरोपियों से रिकवर करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हो चुकी है। इसमें मेन जो मुख्य प्लानर था पिंटू यादव करके एक व्यक्ति है, जो कि 60 साल का है, विकलांग है। ये पूर्व में बिजली विभाग में लाइनमैन का कार्य कर चुका है और उस ऑफिस में अक्सर वो आना जाना करता था। उसको ये जानकारी थी कि एटीपी मशीन में भारी मात्रा में पैसा डिपॉजिट होता है, और क्योंकि कल बिजली बिल डिपॉजिट करने की आखिरी डेट थी, तो नॉर्मल डेज से करीब डबल अमाउंट इसमें इस्टेब्लिश था। जो भी इसमें जो इन लोगों ने घटना के बाद दयाल जो ये लोग गए हैं मधुबन शमशान घाट, वहाँ इन्होंने पैसों का इसमें वितरण किया है और उसके बाद ये लोग अलग अलग स्थानों पे चले गए हैं। कोतवाली की टीम और ACCU दोनों एडिशनल SPs के नेतृत्व में रात भर मेहनत करके सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। इसमें एक अपचारी बालक भी है और एक अभी धर्मेंद्र यादव करके एक आरोपी है, वो अभी फरार है।